Good morning, everyone. How are you all? Hope everyone is fine. So, today we have to start with chapter number 15, which is given on page number 230. आज हमें क्या करना है? We have to start with chapter number 15 and it is given on page number 230. कौन से पेज पे दिया है आपको ये? Page number 230. The name of the topic is The Three Arts. आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसका नाम क्या है? The Three Arts. We have to read about the three R principle in today's topic. जो three R principle है उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है. Now what does this three R stand for? ये three R किसके लिए stand करते हैं? First one is refuse, second one is reduce and third one is reuse. जो three R principle है वो किसके लिए stand कर रहे हैं? Refuse, reduce and reuse. These are the three R's that we have to study. Now, environment plays a very important role in our life. जो environment है वो हमारे life में एक बहुत important role play करता है. And we have to take care of the environment as we used to take care of ourselves. जैसे हम हमारी care करते हैं उसी तरीके से हमें हमारे environment की भी care करनी होगी. For this, we have to apply the 3R प्रिंसिपल इन अवर लाइफ. इसके लिए हमें कौन से प्रिंसिपल्स को अपनाना होगा? द थ्री आर्स प्रिंसिपल. अब हम क्या करेंगे? वी हैव टू स्टडी अबाउट द थ्री आर प्रिंसिपल एंड ऑन दैट बेसिस वी हैव टू कंप्लीट एन एक्सरसाइज गिवन ऑन द सेम पेज, पेज नंबर 230. इसी पर बेस्ड आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है, दैट ऑल्सो वी हैव टू कंप्लीट. नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ थ्री आर्स. थ्री आर्स के जो प्रिंसिपल्स हमें दिए गए हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल इज रिफ्यूज, आर ई एफ यू एस ई. पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है? रिफ्यूज. रिफ्यूज को मतलब क्या हुआ? वी हैव टू से नो. रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को मना करना. अब कैसी चीजों को आपको मना करना है? Say no to things that you do not need or things which harm the environment such as plastic bags. यहाँ पे आपको क्या करना है? Refuse का concept किस तरीके से explain किया है आपको? That you have to say no to things that you do not need. जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है उनको आपको ना कहना है. और ऐसी चीज़ें जो environment को harm कर रही हैं, you have to say no to these थिंग्स. इन चीज़ों को आप क्या करेंगे? यू आर गोइंग टू रिफ्यूज दिस थिंग्स. एग्जाम्पल इज गिवन हियर, प्लास्टिक बैग. प्लास्टिक बैग यूज टू डिस्ट्रॉय अवर एनवायरमेंट. इट यूज टू क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल टू अवर एनवायरमेंट. दैट इज वाई वी हैव टू रिफ्यूज द प्लास्टिक बैग्स. इंस्टेड वी कैन यूज द पेपर बैग्स. इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? पेपर बैग्स का यूज कर सकते हैं. सो वी हैव टू से नो टू थिंग्स दैट वी डू नॉट नीड और द थिंग्स विच आर क्रिएटिंग हार्मफुल और विच आर हार्मफुल फॉर अवर एनवायरमेंट. सो वी हैव टू रिफ्यूज दीज आइटम्स. इन आइटम्स को हमें क्या करना होगा? रिफ्यूज करना होगा. नाउ सेकेंड वन इज रिड्यूस. जो सेकेंड प्रिंसिपल है वो क्या है? रिड्यूस. रिड्यूस means we have to consume less amount or we have to take the things that we require only at that particular time. जिस particular time पे हमें requirement है उस चीज़ की, हम तभी उसका use करें. So we have to apply the second principle of 3 R's, that is reduce. Second principle क्या होगा? Reduce, R-E-D-U-C-E. इसका मतलब क्या होगा? बाय ओनली वॉट यू नीड सच एज फूड, टॉयज एंड सो ऑन. यहाँ पे हमें क्या करना है? वी हैव टू बाय ओनली द थिंग्स दैट वी नीड. जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है हम सिर्फ वही बाय करें. तो हम क्या कर सकते हैं? थ्री आर प्रिंसिपल का जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है रिड्यूस, उसको अप्लाई कर सकते हैं. इसमें हमें क्या करना है? वी हैव टू बाय ओनली द थिंग्स दैट वी नीड. जिन चीज़ों की ज़रूरत है सिर्फ वही खरीदें, बाकी अदर जो रिक्वायरमेंट्स है वो ना लेते हुए. जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए गए हैं फूड और
टॉयज के। तो फूड और टॉयज में भी जो चीज़ें आपके रिक्वायरमेंट की हैं, जिन चीज़ों को आपको इंटेक करना है फूड में, सिर्फ आप वही चीज़ें लें। सो हियर द सेकेंड प्रिंसिपल इज रिड्यूस। इसलिए आपको कौन सा प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया गया है? रिड्यूस का। रिड्यूस में क्या करना है? वी हैव टू बाय ओनली वॉट यू नीड। जिन चीज़ों की ज़रूरत है सिर्फ उन्हें ही हमें लेना है। थर्ड प्रिंसिपल इज रीयूज। तीसरा जो प्रिंसिपल है 3R का, वो क्या दिया गया है? रीयूज, REUSE। नाउ व्हाट इज द वर्ड रीयूज हियर? मींस वी हैव टू यूज द थिंग्स अगेन एंड अगेन, सच एज क्लोथ्स, क्रेयॉन्स एंड सो ऑन। बार बार चीज़ों को यूज करना किस पर बेस्ड है? कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? रीयूज के प्रिंसिपल पे बेस्ड। इसमें हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को हम अगेन एंड अगेन वी आर गोइंग टू यूज दैट थिंग। सो दिस प्रिंसिपल इज नॉन एज रीयूज। इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? रीयूज। जैसे कि हम हमारे क्लोथ्स हैं उनको हम रीयूज कर सकते हैं, क्रेयॉन्स हैं उन्हें हम रीयूज कर सकते हैं। सो रीयूज स्टैंड फॉर यूजिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन। जब भी हम बार बार चीज़ों को यूज करते हैं तो वो किस प्रिंसिपल पे होता है बेस? रीयूज के प्रिंसिपल पे। सो हियर वी हैव स्टडीड अबाउट द 3 R's। यहाँ हम लोगों ने 3 R प्रिंसिपल पे बेस्ड चीज़ों को रीड आउट किया है। फर्स्ट वन वॉज रिफ्यूज, सेकेंड वन वॉज रिड्यूस एंड थर्ड वन इज रीयूज। पहला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा वो क्या था? रिफ्यूज। रिफ्यूज में हमें क्या करना है? वी हैव टू से नो टू द थिंग्स विच आर क्रिएटिंग ट्रबल फॉर अवर एनवायरमेंट। हमें उन चीज़ों को ना करना है जो हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। सेकेंड वन इज रिड्यूस। रिड्यूस में हमें क्या करना है? वी हैव टू बाय द थिंग्स दैट वी नीड। सिर्फ उन्हीं चीज़ को बाय करना है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। एंड थर्ड वन इज रीयूज। रीयूज मीन्स वी हैव टू यूज द थिंग्स अगेन एंड अगेन। बार बार चीज़ों को प्रयोग में लेना है, दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रीयूज। Now, one exercise is given on page number 230. What we have to do? We have to fill in the blanks with reduce and reuse. जो अभी आपने concept पढ़े हैं उसके basis पे आपको यहाँ पे blank spaces fill करनी है। Now, two words are given here. First one is reduce and second one is reuse. क्या करना है? आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट वी हैव टू रीड आउट दैट स्टेटमेंट एंड देन वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज़ बेस्ड ऑन रीयूज और रिड्यूस। ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है उसके अकॉर्डिंग हमें ब्लैंक स्पेस फिल करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू वियर योर ओल्ड टी शर्ट यू डैश। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जब भी आप आपकी पुरानी टी शर्ट को वियर करते हैं तो वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? रिड्यूस वाले पार्ट को बिलोंग करेगी या रीयूज वाले पार्ट को बिलोंग करेगी? सो व्हाट वी हैव टू फिल? वी हैव टू फिल द वर्ड रीयूज। कौन सा वर्ड फिल करना है हमें? रीयूज, REUSE। अब यहाँ हमने रीयूज क्यों फिल किया? क्योंकि अभी हम लोगों ने जो 3 R प्रिंसिपल पढ़े थे उसमें हमने देखा था दैट रीयूज मीन्स टू यूज द थिंग्स अगेन एंड अगेन। बार बार चीज़ों को काम में लेना। सो फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट यू हैव टू फिल द वर्ड रीयूज। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन यू टेक ओनली एज मच एज वाटर एज यू कैन ड्रिंक यू डैश। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या दिया है? दैट When you take only as much as water as you can drink, जितना पानी आप पी सकते हैं अगर आप वही अमाउंट ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं या रीयूज कर रहे हैं? तो ये किस पे बेस्ड है? रिड्यूस वाले कॉन्सेप्ट पे। इसका मतलब क्या हुआ? रिड्यूस में हमने देखा था बाय ओनली वॉट यू नीड और बाय ओनली वॉट यू रिक्वायर। सो जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं उतना ही हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो सेकेंड ब्लैंक स्पेस में आपको क्या वर्ड फिल करना है? रिड्यूस, REDUCE। नाउ थर्ड वन इज व्हेन यू यूज ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर रैपिंग गिफ्ट यू डैश। अब थर्ड ब्लैंक स्पेस में आपको क्या क्वेश्चन दिया है? व्हेन यू यूज ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर रैपिंग गिफ्ट। गिफ्ट रैप करने के लिए अगर आप ओल्ड न्यूज़पेपर का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें कौन सा वर्ड फिल करेंगे? रिड्यूस करेंगे या फिर रीयूज करेंगे? तो ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वी आर रीयूजिंग इट। रीयूजिंग का मतलब क्या होता है? यूजिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? ओल्ड न्यूज़पेपर यूज़ किया है। सो व्हाट वी हैव टू फिल इन दिस? वी हैव टू फिल द वर्ड रीयूज, REUSE। सो इन थर्ड ब्लैंक स्पेस यू हैव टू फिल द वर्ड रीयूज। Now, fourth one is,
When you switch off the television after watching, you dash. जब भी आप टेलीविजन को स्विच ऑफ कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम को देखने के बाद, तो आप क्या कर रहे हैं, रीयूज करेंगे या रिड्यूस करेंगे? तो यहाँ पे हमें क्या वर्ड फिल करना है, रिड्यूस, REDUCE. ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा? ये प्रिंसिपल है रिड्यूस, REDUCE. सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 230. Now, here you have to study about one more thing, that is the 3 R's के अलावा एक प्रिंसिपल और है, that is recycle. यहाँ पे आपको एक वर्ड और बताया गया है, वो कौन सा है, recycle. So, now we are having 4 things, that is refuse, reduce, reuse and recycle. So, you have to complete this exercise given on page number 230 in your textbook. That's all for today.